बिचो जा रहा है ये बिचो थोड़ा सा भाई थोड़ा सा उधर उधर थोड़ा बीच में निकल रहा है बस नहीं ना भगवान सही है मैं फ्री नहीं था फ्री था मैं फ्री only for you bye karte sir no sir क्या कर रहे हैं थोड़ा सा ये कर दीजिए जो कैप्शन है वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे ये पूरा का पूरा इस एल्बम का इस सिंगल का आइडिया आया एक्चुअली सीन ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा था कि कुछ कंट्री का सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रहा था अभी तो मैंने भाई को बोला वही वीडियो में जैसा सीन है कि भाई मैंने कुछ लिखा हो आप बोलो तो भाई भी बोले कि हाँ तू कुछ कर मतलब तू कुछ लिख तो मतलब मैंने ऐसी चार लाइन लिखा था जो हुक है उसका तो वो वर्ड था पहले मैंने बोला कि इसको हुक बनाए थे तो वो उसमें से एक वर्ड जो था सोने की चिड़िया वो देश को रिप्रेजेंट करता है अपने कंट्री को तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर नाम और क्या होगा जैसे कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो हमेशा कुछ ना कुछ सोशल कॉज के लिए हम लोग कुछ करते गए हमेशा से सबसे फर्स्ट सॉन्ग था कैसा ये मंजर में भी इससे ही रिलेटेड कि ये जो बीमारी आई जो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है ये क्यों आई है और क्या करना चाहिए लोग इंसानियत भूल गए हैं वो सब चीज़ों को लेके उसने लिखा है मैंने खाली एक स्टोरी लाइन दिया था पर जो स्टोरी लाइन दिया था मैं उसको उससे काफ़ी अच्छे से इसने लिरिकली उसको वर्स में अपने उतारा और ये काम बहुत ही अच्छा करता है सोशल कॉज पे जो इसके इमोशंस ये उतारता है अपने कलम से तो बहुत ही अच्छे करता है तो मैं सोचा क्यों ना अभी जो देश की हालत थी करंट सिचुएशन कोविड से अभी भी है बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स अपने रिलेटिव्स अपने क्लोज वन अपने जो भी फैमिली जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको कई लोग खो दिए तो उसके वो वजह से वो दर्द के वजह से मैं सोचा और मेरे बहुत सारे रिलेटिव मेरे आसपास में भी मैं देखा कि इतने सब लोग बहुत सारे लोगों की देती तो मैं सोचा कि उन लोगों के लिए क्यों ना कुछ लिखा जाए जो एक नॉर्मल लोगों की जो थिंकिंग है जो अभी जो बीत रही है लोगों पे तो उस चीज़ को एक गाने के जरिए अब्दुल रहमान बहुत काफ़ी अच्छे से उतार सकता है तो मैं इसको बोला कि इस पे ऊपर तो ये जो सोने की चिड़िया है उसके बाद इसने ये लिखा बहुत बहुत मतलब उम्र से ज़्यादा सोच मुझे नज़र आती है जब मैं ऑक्सीजन की आपने कहीं बात की है आपने जिक्र किया है कि मीडिया कैसे अपना रोल निभा रही है जो निभाना चाहिए वो नहीं कर रही है उस बारे में कैसे आपको थॉट आता है कि यार ये सब पहलू बहुत जरूरी हैं ये सब चीजें ऐसे कि अनटोल्ड ट्रूथ है मतलब जो बयान नहीं करी जाती है जो चीजों को मतलब बोलने से लोग मतलब ऐसा होता है कि ये सब चीजें लोगों में अवेयर करना जरूरी है कि लोगों तक पहुंचना जरूरी है अब वो काम अगर नहीं कर रहा है कोई तो हमको एज एन आर्टिस्ट हमारा फर्ज बनता है उस चीज को लोगों के सामने अपने आर्ट के थ्रू लाने का तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरे गाने के थ्रू या मेरे लिरिक्स के थ्रू कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ कुछ अच्छा जब खासकर जब मैं ऐसे सोशल टॉपिक्स पे गाने बनाता हूँ तो क्या आपको लगता है इतना आप आर्टिस्ट हैं और अपनी जो जो फीलिंग है वो जाहिर कर रहे हैं अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा है सीधे सीन ऐसा है कि मैंने ये लिखने के टाइम है ना आपको बता दूं मैं लिख तो लिया था बट मैं लिखने के बारे ना मतलब लगातार सोचा और सोचने के बाद मैंने जब उसमें काफी करेक्शन करा तो मैंने ये भी सोचा कि मैंने इसमें बोला हूँ अडानी अंबानी जी रहे सुखी
मैंने क्या बोला, सब हंसी खुशी जी रहे, बट जो मिडिल क्लास और जो पुअर पीपल है, जो जो लाइफ उनकी गुजर रही है, वो एज कम्पेयर टू देम ज्यादा टफ है. They are struggling. मतलब वो एक, मतलब एक देखोगे आप भी अगर तो देश का क्या हाल हो रहा है, मतलब जैसे लोगों को अगर देखोगे तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस कि जो मतलब नॉर्मल पीपल है उनकी लाइफ थोड़ा सा टफ है, और जो मतलब थोड़ा है पैसे वाले उनकी लाइफ थोड़ा सही चल रही है. थोड़ा पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास फैमिली बची नहीं है आज के टाइम पे. सबकी हालत बहुत खराब है. मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो अच्छे खासे कमा रहे थे, वेल सेटल थे, मतलब उन लोगों की नौबत आ गई है पैसे मांगने की. तो ऐसी देश की हालत है. और जो ऊपर बैठे हुए उन लोग और ऊपर जाते जा रहे हैं, जो गरीब जो सेकंड क्लास है, गरीब सेकंड क्लास बचे ही नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिली जिसको बोलते हैं, मिडिल क्लास बचे ही नहीं है. बहुत हालत खराब हो गई देश. और रोड साइड जो है उनका तो समझ लो डेथ्स पे, मतलब हॉस्पिटल में उनको ना बेड्स मिल रहे ना कुछ मिल रहे. तो ये सब चीजें मतलब ऐसा है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड चीजें रहती है. मतलब जब हर सुबह उठो और एक न्यूज देखो इन सब चीजों के बारे में कि कोविड से इतनी डेथ हुई, कोविड से हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिले, इससे ये हुआ वो हुआ, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिव लगता है वो चीजें. मतलब मन करता है कि अपने आर्ट के थ्रू कई लोगों में वो चीजें बताने की कोशिश करूं मैं. तो मैंने बताया अदनान, क्या आप मानते हैं कि ये एक पैगाम है इस सोने की चिड़िया के थ्रू पूरी आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को? ये उनकी आवाज नहीं है कहीं? आप ये मानते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है और आपने सिर्फ कि वो जो महसूस कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो आपने शब्द वही सोच के मैंने किया है. वही सोच के मैं, जो लोगों की अंदर की फीलिंग्स है, लोग हिचकिचाते हैं पर बोलने से, क्योंकि आज आपको भी पता है ये गाने के निकालने से पहले भी बहुत लोग मना भी कर रहे थे, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे, जिसका नाम भी लिया हम लोग उसको कुछ गलत नहीं बोल रहे. अडानी अंबानी जी रहे सुखी है, उसके जो लिरिक्स है, बिक गया देश में सच्चाई छुपी, इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का क्या बचा हुआ है, आप खुद जानते हो कि क्या क्या बिक चुका है, क्या क्या हमारा है. तो ये सब इसे देखने आएंगे तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी. बस नॉर्मल इंसान की जो फीलिंग है, जो अपने फैमिली मेंबर्स खो दिए हैं, ये उन लोग की जुबानी है जो लोग दुख तकलीफ से जी रहे हैं, जो लोग एक टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे, पॉवर्टी से भुखमरी से मर रहे, ये उन लोगों की जुबानी है. किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये गाना, किसको समर्पित करना चाहेंगे? समर्पित ऐसे तो मतलब ये चीज जो मैं बताया ना, जैसे नॉर्मल जो आम पब्लिक है, आम जनता के लिए, पूरा मतलब कंट्री के लिए, इंडिरेक्टली ऐसा एक एज अ व्यूअर अगर आप देखोगे सॉन्ग को तो वो आप रिलेट भी करोगे और आपको मजा भी आएगा. क्यों? क्योंकि आपको वो फ्रेंड्स फैंस का क्या रिव्यू था ये गाने को लेकर के, क्या उनको क्या आपको कमेंट्स आए हैं कि आफ्टर ये गाने के रिलीज के बाद क्या रिस्पॉन्स है? इतना जल्दी और इतना, मतलब अभी तक इसके जितने भी गाने आए, इसके जो वीडियो की क्वालिटी से लेके इसके ऑडियो से लेके सब चीजें में बहुत ज्यादा फर्क है. और इसके लिरिक्स भी कंपैरेटिवली गूज़बम्स आ जाएंगे लोगों को, जो भी अगर फील के साथ सुनेगा तो उसको तो गूज़बम्स आना ही है. और लोगों को बहुत ही पसंद आया है, 100 में से 99 पॉजिटिव कमेंट्स है, तो ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है. 99.9 पॉजिटिव है. मतलब मैं ऐसा है कि मैं जितने भी देख रहा हूँ तो मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स ही दिख रहे ज्यादातर. लोग यही बोल रहे कि ऐसे और आर्टिस्ट चाहिए इंडस्ट्री में, और जो बाकी दूसरी दूसरी चीजों में बिजी है लोग, उनको थोड़ा यहाँ भी तवज्जो थोड़ा देना चाहिए इन सब चीजों पे, जो देश का हाल है, जो कंट्री का सिचुएशन चल रहा है अभी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज, ये आगे फ्यूचर में अपने को इससे मतलब नुकसान होएगा, तो ये सब चीजों पे फोकस करना जरूरी है. और देखा जाए तो अब्दुल, आपने ये जो सॉन्ग एक रियलिटी बेस्ड जो फैक्ट है, मतलब उसको कहीं ना कहीं आपने प्रदर्शित करते हुए ये गाना अपने बनाया, रैप सॉन्ग बनाया, तो इसका जो थीम है वो भी काफी एक अलग तरीके से आपने बनाया, तो वो थीम देने का क्या मकसद था? और मेन ऐसा है कि मैं इस गाने में जो है, मतलब मैं एक चीज के ऊपर तो बात नहीं किया हूँ मैंने गाने में मैंने ए टू जेड, मतलब अगर आप गाने को स्टार्ट टू एंड अगर आप देखोगे तो गाने में मैंने सारी अलग अलग चीजें जो अभी हो रही है कंट्री में उसके ऊपर बताया. तो मैं पूरी चीजों का मतलब जोड़ के अगर टाइटल बनाने जाऊंगा तो माइंड पूरा मेरा एकदम वो हो जाएगा, जंबल हो जाऊंगा. तो मैंने क्या किया कि सोने की चिड़िया, मतलब एक कंट्री पे पूरा जो करंट सिचुएशन है वो लिख देता, तो सोने की चिड़िया टाइटल दे दिया. सिचुएशन ऑफ द कंट्री. अदनान, आपके भाई ये काफी अच्छे रैपर है और अभी काफी जगह उनका रैप सॉन्ग जो ट्रेंड करता है, अभी क्या आगे आपके व्यूअर्स को, फैंस को, आप दोनों भाई का फिर से एक और एक फ्यूचर म्यूजिक वीडियो दिखेगा या रैप सॉन्ग्स आप लोग दिखेंगे एक साथ फिर एक प्लेटफॉर्म पे? इंशाल्लाह इस पे और बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा लोगों का, लोगों को पसंद आएगा, ऐसे तो देख लो अच्छा लग रहा है लोगों को, तो मिलेगा जरूर. अभी किस तरह का ऐसा कोई प्लान किए हो रैप सॉन्ग, क्या आने वाला है व्यूअर्स को आप कुछ बताना चाहते हो?
अभी तो कंसिस्टेंट होना है अब्दुल रहमान को थोड़ा सा, अभी लॉकडाउन की वजह से काम थोड़ा सा रुका हुआ है, इसको स्टूडियो बना के भी हम लोग इसके अंडरले सॉन्ग खुद सुन के एंजॉय करते हैं। हम लोग जब ऐसे बैठते हैं मेरे दोस्तों सब तो हम फील करते, तो मैं सबको सुनाता हूँ इसके अनरिलीज सॉन्ग। और अनरिलीज भी ऐसे है कि बहुत ही ज्यादा क्वालिटी में इम्प्रूव हो गया है अब्दुल रहमान, लिरिकली बहुत ही पावरफुल हो गया है। और इंशाल्लाह अभी कोशिश करूंगा मैं हर मंथ कैसे भी इसका एक गाना अच्छा आए इसके यूट्यूब चैनल। अब्दुल जी रैप सॉन्ग्स तो आपका अभी काफी लोग पसंद कर रहे हैं, आप अभी एक कौन सा एक फीचर अगर कुछ एक अलग कुछ ट्रेंड लाना चाह रहे हो या क्या है अभी कुछ प्लान में आपके दिमाग में कुछ है कुछ समथिंग न्यू या कुछ? मतलब हिप हॉप को लेके, रैप म्यूजिक को लेके, रैप म्यूजिक को लेके मैं यही चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मतलब ऐसा कर रहे कि एक ही पर्टिकुलर चीज मतलब कर रहे, तो मैं ये चाहूंगा कि वर्सेटाइल रहना बहुत जरूरी है अपने काम में, चाहे वो मतलब रैप आर्टिस्ट ही हो चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, अपने काम में वर्सेटाइल रहना जरूरी है। जैसे अगर वो एक चीज कर रहा है एक टॉपिक पे तो पब्लिक के लिए मतलब बहुत वो हो जाता है, मतलब एक ही चीज बोरिंग हो जाती है, तो तुमको अलग अलग चीजों पे मतलब कुछ कुछ चीजें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी अगर मैंने खाली पॉलिटिकल गाने नहीं बनाया, मैंने अगर धर्म और ये सोने की चिड़िया जैसे बनाया तो मैंने मस्ती में नाचो जैसा भी बनाया, तो अलग अलग ऐसा मतलब वाइब देना चाहिए, जरूरी है वो चीज एज एन आर्टिस्ट आप लोगों का काम है, तो मैं देख रहा हूँ वो चीज की बहुत कमी है सीन में। मतलब आपसे पूछना चाहूंगा मैं सवाल, आप भी काफी क्लोज फ्रेंड हैं अब्दुल के, अब्दुल के कैसा लगा? मुझे मैं इसके स्टार्टिंग से सारे गाने सुन रहा हूँ और मैं हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी है और राइटिंग वाइज भी हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस भी करते हैं, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल दिखता है ना मुझे आने वाले टाइम में इज गोना किल, ये चीजों को लेकर अगर इसको आप एक चीज बोल दो एक कैटेगरी दे दो या कोई एक वर्ड बोल दो कि इसके ऊपर मुझे सॉन्ग चाहिए इसके ऊपर तेरे क्या व्यूज है वो बता, तो वो उसको रैप में कन्वर्ट करके या वो जो भी वर्स में करके इतना क्लियरली और इतना अच्छा लोगों को समझ में उस तरीके से करता है, तो मुझे मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एंड ही विल गो वेरी 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 फार। अब्दुल क्या आपके रैप सॉन्ग्स को लेके अभी काफी वायरल हुआ है, तो क्या आपको मूवीज के लिए या कोई एल्बम्स के लिए और कोई दूसरे तरफ से कोई ऐसे आपको ऑफर्स आए हैं क्या? एक्चुअली ऐसा है कि मुझे अभी फिलहाल मुझे मेरे ही चैनल पे काम करना है, मतलब मैं चाहता हूँ एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की मैं पहले अपने ऊपर ज्यादा काम करूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि मैं भी थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव होऊंगा अपने चैनल को भी और धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा, उससे क्या है मेरे अंदर और क्वालिटी बढ़ दिखेगा। मतलब आप क्या ऐसा था कि जो हमारे भारत देश का जो नाम है ये सोने की चिड़िया के नाम से बहुत मशहूर है, तो ये टाइटल सोने की चिड़िया इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग ने काफी सारी सिचुएशन जो हो रही है कंट्री में जो वो हम लोग ने सोने की चिड़िया की सारी सिचुएशन बताई, हम लोग ने देश की सारी सिचुएशन बताई, तो हम लोग ने इसलिए नाम उसका सोने की चिड़िया रखा। और ये गाना डेडिकेट होता है जितने भी लोग कोविड के वजह से कोरोना वायरस के वजह से जो भी ये टाइम पीरियड में शहीद हुए हैं, जिन लोगों को जो लोग भी तकलीफ झेले हैं, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम फेस किए पूरी फैमिली से लेके जो लोग डेथ फेस किए से लेके जो उनकी फैमिली तक के ये उन लोग के लिए हम लोग डेडिकेट किए हैं सॉन्ग। सो बिग शॉट फॉर विलन, थैंक यू। हुआ है सोने की चिड़िया, तो उसके अगर आप चार लाइन गुनगुना दो अपने दर्शकों के लिए। सोने की चिड़िया कैद हो चुकी, वक्त नहीं रुकता है जिंदगी रुकी, अडानी अंबानी जी रेले सुखी, दिख गया देश मेरा सच्चाई छुपी। सोने की चिड़िया कैद हो चुकी, वक्त नहीं रुकता है जिंदगी रुकी, अडानी अंबानी जी रेले सुखी, दिख गया देश मेरा सच्चाई छुपी। ये हुक पार्ट था, आगे वर्स भी है, आप लोग जाके यूट्यूब पे चेक करो आपको पूरा गाना मिलेगा। मार तो लिए ना सही से कैश बंद हो गया।
फ्लैश फ्लैश धीरे 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 लाइव कर क्या आ रही है भाई सोने की चिड़िया।